आपके घर में, क्या आपका भी घर इसमें क्रैक हो रहा है? चारों तरफ से जगह छोड़ दी मकान ने। प्रशासन तो आपने प्रशासन को बता दिया? आ रहे, देख रहे, जा रहे, बोल कुछ नहीं रहे। तो वार्ड मेंबर बोल रही यहाँ की छोटी छोटी दरार है, यहाँ का क्या इसके पूछ तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा। सर जब दब जाएंगे तब उठाएंगे वो हमको। तो अभी आपके यहाँ रेड क्रॉस वो मार्किंग कर दिया यहाँ इन्होंने? रेड क्रॉस नहीं मार, रेड क्रॉस मारेंगे तो मैं सामान कहाँ ले जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, एक ही यही मकान है, मैं कहाँ ले जाऊंगी। आप अकेले रहती हैं घर में? हाँ जी मैं अकेले रहती हूँ, बेटी मेरी देहरादून रहती है, किराए पे रहती हूँ, वहाँ भी कहाँ जाऊँ मैं ये सामान लेके, खुद किराए पे है। और परिवार में और कोई नहीं है आपके साथ नहीं है अभी? कोई नहीं परिवार में, तो आप यहाँ पर अकेले कब से रह रही हैं? मैं तो 2009 से यही हूँ। पहले अपने हस्बैंड के साथ रहते थे हम, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2008 में, तब से मैं यही हूँ। तो अगर आपको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो हाँ तो मुझे अगर कहीं थोड़ा जगह मिल जाए, मकान बन जाए, तो मैं रह जाऊंगी, चाहे देहरादून बोलो या गोचर भी बोलेंगे, वहां भी रह जाऊंगी। कहीं भी शिफ्ट कर लोगे तो मेरे को अगर छोटा सा मकान मिल जाए या थोड़ा जगह मिल जाए मकान की, तो आप क्योंकि अभी सरकार मेरे पास बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, मेरी पेंशन सिर्फ 8,500-9,000 है, उसमें घर का खर्चा भी वो 50 रिश्तेदार आते, मेहमान आते, हर चीज देखना पड़ता है, बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं। आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए कहीं से भी। चलिए ठीक है, सरकार तो वैसे कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी आपके लिए। मुख्यमंत्री आए थे तो क्या बोले? कुछ नहीं बोला सर, बड़े लोग हमारी कहाँ सुनते, वो किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे घर से वहां से नीचे गए ना मुख्यमंत्री ना पद, वहां पे वो मीडिया वाले आ रखे, मैं बोलती रही अपने छत से उनको, मेरे स्वास्थ्य भी खराब हो रखा, मैं बोलती रही, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि अकेली हूँ ना, बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए कोई नहीं सुनता।